हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द हिंदी वोकैब। द फर्स्ट वर्ड इज इररिट्रीवेबल। देखिए, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को अगर आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं ना, उसे हम कहते हैं इररिट्रीवेबल। यानी कि इट मींस समथिंग दैट कांट बी रिट्रीव्ड और रिकवर्ड। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इररिवर्सिबल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिट्रीवेबल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द मनी ऑलरेडी पेड इज इररिट्रीवेबल। द नेक्स्ट वन इज डिस्क्रिशनरी। इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि ना रूल्स द्वारा ना फिक्स नहीं है, ये आपके ऊपर है कि आपको ना क्या करना है, उसे हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी, यानी कि ऑप्शनल। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? मैंडेटरी। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। जजेस हैव ग्रेट डिस्क्रिशनरी पावर्स। द नेक्स्ट वन इज एनल। एनल का मतलब होता है टू स्टेट ऑफिशियली दैट समथिंग इज नो लॉन्गर लीगली वैलिड और रिकग्नाइज। यानी किसी कानून, समझौते आदि को रद्द कर देना, निरस्त करना, उसे हम कहते हैं एनल। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अबॉलिश। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एनैक्ट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। हिज सेकेंड मैरिज वॉज एनल्ड बिकॉज ही नेवर डिवोर्स्ड हिज फर्स्ट वाइफ। द नेक्स्ट वन इज रेक्ड। रेक्ड का मतलब होता है बर्बाद कर देना, वेरी बैडली डैमेज, उसे हम कहते हैं रेक। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डेमोलिश। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिपेयर्ड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। माय कजिन्स ट्राई टू रेक माय पार्टी बाय शोइंग अप एंड मेकिंग एन अगली सीन। अच्छी बात नहीं होती है ये। द नेक्स्ट वन इज क्वॉश। क्वॉश का मतलब होता है टू से दैट एन ऑफिशियल डिसीजन इज नो लॉन्गर ट्रू और लीगल। यानी कि ना आधिकारिक निर्णय को रद्द कर देना, उसे हम कहते हैं क्वॉश। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अबॉलिश। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एस्टैब्लिश। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। पुलिस अटेम्प्टेड टू क्वॉश द रैली थ्रू इंटिमिडेशन बट द प्रोटेस्टर्स मार्च्ड ऑन। द नेक्स्ट वन इज कॉशन। कॉशन का मतलब होता है किसी पर्सन को ना कोई चीज करने से ना सावधान करना, वॉर्न करना, उसे हम कहते हैं कॉशन। यानी कि टू वॉर्न समबडी नॉट टू डू समथिंग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? वॉर्न। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिस्क। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। यू शुड एक्सरसाइज एक्सट्रीम कॉशन व्हेन ड्राइविंग इन फॉग। द नेक्स्ट वन इज कोअर्शन। कोअर्शन का मतलब होता है जोर जबरदस्ती करना, उसे हम कहते हैं कोअर्शन। यानी कि कोअर्शन इज द एक्ट और प्रोसेस ऑफ पर्सुएडिंग समवन फोर्सफुली टू डू समथिंग दैट दे डू नॉट वॉन्ट टू डू। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रेशर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंसेंट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इट वॉज वाइटल दैट द इलेक्शंस शुड बी फ्री ऑफ कोअर्शन और इंटिमिडेशन। द नेक्स्ट वन इज अबैंडन्ड। अबैंडन्ड का मतलब होता है लेफ्ट कंप्लीटली एंड नो लॉन्गर यूज्ड और वॉन्टेड। यानी कि अनचाही वस्तु को पूर्ण रूप से त्याग देना, छोड़ देना, उसे हम कहते हैं अबैंडन्ड। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्कार्डेड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रीस्टोर्ड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। वी हैड टू अबैंडन द कार। द नेक्स्ट डेजर्टेड। देखिए, डेजर्टेड का मतलब होता है कोई भी चीज अगर डेजर्टेड है ना, मतलब कि वो खाली है, वीरान है, उसे हम कहते हैं डेजर्टेड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द कोस्टल रिजॉर्ट्स आर डेजर्टेड इन विंटर। द नेक्स्ट वन इज राइफ। राइफ का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा फैली हुई है, बहुविदित है, उसे हम राइफ कहते हैं। यानी कि इफ समथिंग अनप्लेजेंट इज राइफ, इट इज वेरी कॉमन और हैपेंस अ लॉट। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अबंडेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिवॉइड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। डिसेंट्री एंड मलेरिया आर राइफ इन द रेफ्यूजी कैंप्स। द नेक्स्ट वन लिटिगेशन। देखिए, लिटिगेशन का मतलब होता है मुकदमा, यानी कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ केस टू अ कोर्ट ऑफ लॉ सो दैट अ जजमेंट कैन बी मेड। यानी कि न्यायालय में मुकदमा लड़ने की प्रक्रिया, उसे हम लिटिगेशन कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? लीगल एक्शन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द कंपनी हैज कंसिस्टेंटली डिनाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी बट इट अग्रीड टू द सेटलमेंट टू अवॉइड द एक्सपेंस ऑफ लेंथी लिटिगेशन। द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस होना। समझिए कि अगर आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ रहा है या कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट काम करना पड़े, जिससे आपका ना प्रेशर ना बढ़ते जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रेस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कामनेस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ही इज बीन अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन रिसेंटली। द नेक्स्ट वन एग्नी। देखिए, एग्नी का मतलब होता है तीव्र वेदना, तेज पीड़ा, व्यथा, कष्ट, यानी कि ग्रेट पेन और सफरिंग, उसे हम एग्नी कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एंग्विश। एंटोनिम क्या हो जाएगा? जॉय। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। शी ले देयर स्क्रीमिंग इन एग्नी। द नेक्स्ट वन इज इनएविटेबल। देखिए, द हिंदू का ना बड़ा फेवरेट वर्ड है, आप इसको ना एडिटोरियल में ना बार बार पाएंगे ही पाएंगे।
इनएविटेबल का मतलब होता है जिसका होना निश्चित है, यानी कि जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं ना, वो इनएविटेबल होता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनअवॉइडेबल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अवॉइडेबल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। एक्सीडेंट्स आर द इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ ड्राइविंग टू फास्ट। द नेक्स्ट वन इज इनवोक। देखिए, इनवोक के ना दो मतलब होते हैं। एक इनवोक का मतलब होता है टू मेंशन और यूज अ लॉ, रूल एटसेट्रा एज अ रीजन फॉर डूइंग समथिंग, यानी किसी कार्य के समर्थन में नियम कानून आदि का प्रयोग करना, उसे हम इनवोक कहते हैं। और एक इनवोक का मतलब होता है टू मेंशन अ थियोरी, एन एग्जाम्पल, पर्सन एटसेट्रा टू सपोर्ट योर व्यूज और आइडियाज और एज अ रीजन फॉर समथिंग, यानी कि अपने विचार आदि के समर्थन में किसी सिद्धांत, उदाहरण, व्यक्ति आदि का उल्लेख करना, उसे भी इनवोक ही कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंड्यूस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्वॉश। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। पुलिस कैन इनवोक द लॉ टू रेगुलेट एक्सेस टू दीज प्लेसेस। इज प्रीडोमिनेंटली। प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है मोस्टली और मेनली, यानी कि ना अधिकांशतः या मुख्यतः, उसे हम कहते हैं प्रीडोमिनेंटली। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्पेशली। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनइम्पॉर्टेंटली। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द सिटीज पॉपुलेशन इज प्रीडोमिनेंटली आयरिश। एंड द लास्ट वन इज रिकंसिलिएशन। देखिए, रिकंसिलिएशन का मतलब होता है, समझिए कि अगर दो लोगों में या दो कंट्रीज में, दो ऑर्गेनाइजेशन में अगर झगड़ा हो गया, पर अगर वो अभी वापस से ना फ्रेंड्स बन रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं फ्रेंड्स बनने के, तो उसे हम रिकंसिलिएशन कहते हैं। यानी कि रिकंसिलिएशन बिटवीन टू पीपल और कंट्रीज हु हैव क्वारल्ड इज द प्रोसेस ऑफ देयर बिकमिंग फ्रेंड्स अगेन, यानी कि पुनः मेल मिलाप। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रीयूनियन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फाइट। तो आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द कपल हैव सेपरेटेड बट ही वॉन्ट्स अ रिकंसिलिएशन। दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, कॉमेंट करे। थैंक यू।